Hello, dear students. Good morning. आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको सीखेंगे. ये बहुत ही आसान है. बस आपको थोड़ा सा जनरल थिंग्स पर, जनरल रूल्स पर ध्यान देना है. जनरल रूल्स जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने में काम आते हैं, उसमें सबसे अहम जो बात है वो है, हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की मेन वर्ब को सबसे पहले पहचानना है. किसको पहचानना है? मेन वर्ब को. जब आप मेन वर्ब को पहचान लेते हैं तो उसके ठीक बाद, मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है. किसका ऑब्जेक्ट होता है? एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले ये जनरल रूल्स देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ता है? उस सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है. जो जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना. इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है. और फिर आपको जो मेन वर्ब जो आपने पहले पहचानी है उस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है उस फॉर्म को बदलना है. इसके लिए अलग से रूल्स है जो मैं आपको आगे बताता हूँ. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, फिर आपको जो सेंटेंस की वर्ब फॉर्म दे रखी है उसको टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बदलना है, और फिर वर्ब की जो भी फॉर्म लिखते हैं बदली हुई फॉर्म, उसके बाद बाई लिखते हैं. बाई लिखने के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको अपन डूअर बनाकर लिखेंगे. जैसे यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो उसका डूअर मी होता है, इसी प्रकार वी का अस होता है, यू को यू के रूप में लिखते हैं, ही का हिम होता है, सी का हर होता है और दे का देम होता है. बाकी जो सब्जेक्ट जो होंगे एक्टिव वॉइस के वो नहीं बदलने हैं. केवल आपको आई का मी, वी का आस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इनको आप कंठस्थ याद कर लो. फिर थोड़ा सा अपन क्रिया बदलने के नियम पर बात करते हैं. तो एक्टिव वॉइस की जो क्रियाएं होती है, जो वर्ब फॉर्म होती है, उसको कैसे बदला जाता है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के साथ ऐसे आईएस लगा हो फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको वर्ब की एस फॉर्म बोलते हैं, या डू डज वाला सेंटेंस हो उसमें वर्ब बदलने का नियम है इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी तरह दूसरा नियम है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो यदि एक्टिव वॉइस में और डिड फर्स्ट हो तो उसको अपन वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में बदलेंगे. इसी तरह से तीसरा रूल है, इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो हम इसे इज आर एम बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे. इसी तरह से अगला रूल है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे. इसी तरह से हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो हैज हैव के साथ बीन लगेगा और वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. इसी तरह हैड थर्ड है तो इसमें हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी तरह से विल या वह सेल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में है तो विल हैव सेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा. मॉडल जितने भी, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में. मॉडल कौन कौन से होते हैं? विल है, शैल है, मे है, कैन है, वुड है, शुड है, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सब मॉडल है. तो इसमें क्या होगा, मॉडल कोई भी होगा तो मॉडल के साथ बी लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. चलो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर आपका सेंटेंस दे गया है, ही ईट्स अ मैंगो. ये एक्टिव का सेंटेंस है, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट ही है वो एक्टिव है
और इस सेंटेंस को हमें किस में बदलना है, पैसिव के अंदर। तो कैसे बदलेंगे पैसिव में, तो सबसे पहले वो जो बातें बताई उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको इस दिए गए सेंटेंस में मेन वर्ब को पकड़ना है। यहाँ पर दी गई वर्ब ईट्स, जो कि मेन वर्ब है। वर्ब के ठीक बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ये वाला है, ये मैंगो। इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब को जो डायरेक्ट एग्रीमेंट करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब जिसके साथ रहती है एक्टिव सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट। अब अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट के स्थान पर, इसमें ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम एक नया सब्जेक्ट बनाएंगे, जो उसका पहले दिए गए सेंटेंस का क्या था, ऑब्जेक्ट था। यानी ए मैंगो सब्जेक्ट बन गया। ये जो वर्ब है इसका रूल्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ एस लगा हुआ, इसका मतलब ये एस फॉर्म हुई। और एस फॉर्म का जो रूल होता है वो होता है अपने को किस में बदलना होता है, इजारेम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। तो चूंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो हमारा जो पैसिव सेंटेंस बन रहा है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ए मैंगो लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी है इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब चूज होगी, इज़। तो ये आपको ए मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेनी है। इसके बाद आर और एम, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएगी। आर प्लूरल के साथ आती है और एम आई के साथ आता है, इसलिए अब आएगा आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो यहाँ पर ईट वर्ब लिखी हुई है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो ये अपन इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। थर्ड फॉर्म यूज हो गई, क्या है थर्ड फॉर्म इसकी, ईटन, ईटेड ईटन। जैसा कि रूल में आपको बता दिया था